आज मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और काफ़ी सारा सामान है। हाँ, पूरी लिस्ट मैंने ले ली है। एक बार से वापस से रीचेक करना ज़्यादा सही रहता ना, चेक लिस्ट कम्प्लीट करना। और उल्टी डायरेक्शन में इसलिए जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि भैया इधर ही पे हैं, घर पे ही, और यहीं से आज गाड़ी जाएगी। तो आज बस करना ही है कि टीचर्स को लेने आना है भैया को, और ले जा रही है, छोड़ देंगे उनको घर पे, मतलब पनकी से उठाएंगे और स्कूल में छोड़ेंगे, फिर स्कूल से उठाएंगे घर पे छोड़ेंगे, फिर वापस मैं घर तक आ जाऊंगा। वैन भैया ही घर पे रहती है। एंड वन मोर थिंग कि हम लोगों को आज ही रिजल्ट कंप्लीट करना है, कल है मीटिंग, सो दैट वी हैव ओनली 24 आवर्स लेफ्ट टू कंप्लीट ऑल दोस काइंड ऑफ वर्क्स और ऑल दोस काइंड ऑफ टास्क। पीछे अब कुछ छोटे छोटे होता है ना, तो मुझे लगता है यार कहीं टोनी तो नहीं आ रहा है, बिकॉज ही ऑलवेज ट्राई टू कम्पिटेट मी इन द रेस। This is the office today and this is school. No one is here actually. You can see. कहे धड़कन। अभी जो इतना बोरी तैयार करी ना इसके दिनों में काम कर करके, तो उन सभी को आज एक फाइनल रिपोर्ट में तैयार करना है। मतलब जो बच्चों की एक साल भर की मेहनत होती है उस सभी को अपने लोग को पूरा एक एक शीट में रेडी करना है। पूरे साल भर की उनकी परफॉर्मेंस को एक शीट में दिखाना होता है वो, बट अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड समवन्स फ्यूचर, क्योंकि हमेशा पता है नंबर्स ना सही सही देने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों जैसे कि साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसमें कम नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ड्राइंग में उनके अच्छे नंबर्स आते हैं। तो अगर मैं ड्राइंग में भी उनको कम दे दूंगा उनका नाम देख कर कि हाँ यार ये बच्चा नहीं पढ़ता है, इसको ड्राइंग में भी कम नंबर दे दो, तो उसका इंटरेस्ट जो ड्राइंग में है, जो वो अच्छा कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट उस वाली फील्ड में भी नहीं रहेगा। ऐसे जब उसको ड्राइंग में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में कम नंबर मिलेंगे, तो उसको एक चीज़ तो पता चल जाएगी, उसके अंदर एक पेंटर छुपा हुआ है। एंड हो सकता है कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, एक अच्छा पेंटर बन जाए। बहुत सारे पेंटर्स तो देखो यूट्यूब पर भी काफ़ी फेमस हो गए, लाइक सौरभ जोशी, तो काफ़ी पेंटिंग से भी वो अपना फ्यूचर बना सकता है। सो नंबर्स हमेशा सही से ही देने चाहिए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसमें वो अच्छा करेगा, और उसमें हमको एग्जैक्ट सही से नंबर देने चाहिए। अभी देखते क्या है, काम है, समझाया जाएगा पहले रिजल्ट बनाने कैसे, बिकॉज इस बार रिजल्ट चेंज हो गए हैं, रिपोर्ट कार्ड चेंज है थोड़ा सा, तो सबसे पहले बताया जाएगा कैसे बनाने हैं, हम लोग पैसा क्या ट्राई कर रहे हैं। सो देयर आफ्टर वी विल कंटिन्यू ऑन आवर वर्क। बहुत सारा काम करना है आज, मतलब कैलकुलेशन वगैरह भी रहेंगी और काफ़ी कुछ रहेगा, सो वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क अ लॉट। तब तक चलो बैठ के थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखते हैं, अपने पढ़ते हैं, मतलब चलो सी यू लेटर है रेफ्रिजरेटर। समझ में, और प्रिंसिपल सर में भी कॉम्पिटिशन चल रहा था, मेरा रिपोर्ट कार्ड लास्ट पेपर, उसकी टोटलिंग करनी बची है, सिर्फ टोटलिंग बची है सर मेरी, सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग बची है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, और सर के कंप्लीट हो गए। लेकिन वैसे सर हार गए, कॉम्पिटिशन बराबर वाले में होता है, सर का 15 था, मेरे 20 रिपोर्ट कार्ड थे। सर को ये हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारा और सर का कॉम्पिटिशन चल रहा था, मेरी जैसे सिर्फ टोटलिंग बची है, सर के कंप्लीट हो गए, इतना सा हार है बस, थोड़ा सा सर सिर्फ टोटलिंग में अंतर रहा, बताइए लास्ट कार्ड में मेरे सारे कंप्लीट हो गए। हाँ डायरेक्टर सर भी चले गए हैं, एंड यस मेरे सभी कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब भाई हमको बस करना क्या है, दोनों मेरे को 20
सर मुझे चलेंगे एक बाइक से छोड़ने, क्योंकि वैन लेकर सुमन सर चले गए, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर मीन। धूप बहुत ज्यादा तेज। इस वाले पेड़ में देखो हरे हरे से पत्ते आ गए नए नए से, मस्त लग रहे हैं ना अभी अभी तो हल्के फुल्के आए। और सबसे अच्छी चीज पता क्या लगती है, जो इतने नीचे पे है ना यहाँ तक पूरे पत्ते होते हैं, और जब तुम खड़े होगे तुम्हारे सर तक यहाँ तक पत्ते होंगे, तो वो बहुत अच्छा फील आता है। मतलब पेड़ों के बीच में बिल्कुल आप घूमोगे। ऐसे आम के पेड़ भी होते हैं एकदम बहुत नीचे नीचे से, वहां से आप तोड़ सकते हो। वो सारे पीपल ने देखो सामने वाले में हरी हरी कितनी सारी पत्तियां आ गई हैं, इसमें अभी स्टार्ट ही हुआ है। ऐसे में तो सभी हरे भरे हो जाते हैं सभी पेड़ पौधे। अभी बारिश भी हो गई तो जितने पत्ते इनके सब धूल आ गई थी इसके पत्तों पे, गुड़हल में सब नए नए हरे हरे हो गए। फर्स्ट टाइम काफी हो गया, 1 बज गया, लेकिन पूरा काम खत्म हो गया। और बताए सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है, मतलब सबसे अच्छा मतलब अच्छा वाला फूड ये लगता है मेरे को। चलो खाते पीते हैं फिर, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, मूवीज देखते हैं, देन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। नहीं ना हो तो हम ले लें, हमारे पास है वैसे। ये दर्द तुम नहीं समझोगे गालिब, कि 22 साल की उम्र में मम्मी से पैसे मांग के खर्च करना अपने शौक के लिए कितना बुरा होता है। मतलब बुरा होता नहीं, बुरा लगता है। तो मेरी मम्मी से पैसे मांगे जरूर थे, फिर वापस कर दिए, मतलब अंतर आत्मा नहीं कर रही मांगने का। तो मेरे पास लास्ट के 50 रुपये बचे थे, तो वो मैं अब जा रहा हूँ खर्च करने के लिए। बाकी गूगल पे है, ऐसा कुछ नहीं। तो चलते हैं, यहाँ चलना है, जस्ट गोइंग। रोहित इधर पे मिल गया, रोहित जिला। अबे अपने तो बाल काट लिया करो। कार्गो IAF रामा देवी से बहुत पास में दिखता है। कई दिनों के बाद आज बताशे खाए एंड काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। फ्री के बताशे मतलब पैसा ना उसने दिया था, रोहित ने, दोस्त है मेरा पुराना, और वो हेयर ड्रेसर है। और मेरे तो अभी हेयर ही नहीं है, तो मैं उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकता। मतलब हेयर कट ही लेता है, ट्रीटमेंट क्या मैं करवाऊंगा मतलब। और अभी वापस आके एवेंजर्स देखी, एवेंजर्स पहली बारी द एवेंजर्स, बहुत मतलब अलग सा ही लगा। विल्सन मर गया, विल्सन जो एजेंट था शील्ड का, मतलब निक फ्यूरी के साथ में जो रहता था शील्ड का एजेंट कुलसन, वो मर गया यार, बहुत दुख हुआ। चंद्रमा अभी जा रहा है खेती तरफ टहलने के लिए, सो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अभी थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो अपडेट कर देते थोड़ा सा कि पैसे किसने दिए उसके बताश हो गए। तो मैं जो पैसे लेके गया था पूरे पूरे बच गए, तो मेरी जेब में भी 50 के 50 पड़े हुए। यहाँ तारों के नीचे से झुक के निकलना पड़ता है, जो तार लगे हुए ना, वेरी डेंजरस थिंग। ही इज ऑल्सो कमिंग विद मी। इधर टमाटर लगे हुए हैं और धनिया, मतलब खेती होती है टोटल, बाजार में बेचते हैं भैया लोग इनका खेत है, तो वो बाजार में बेचते हैं इसको। अभी चलते हैं, ये तो पूरी फसल अब सूख गई है लगभग लगभग, जो बाजरे और गेहूं जिसका भी है, तो गेहूं बाद में सूख रहा है, गेहूं अभी लगभग हरा है। बाजरे का खेत पूरा सूख गया, जिसमें मतलब मेरे खेत में बाजरा बोया हुआ है तो पूरा सूख गया है। चलो मिलते हैं बाद में। तो हम लोग भाई साहब ना काम लगभग आधा आधा ही करते हैं, मतलब बैचलर्स वाली लाइफ जी रहे लेकिन आधी। जैसे कि मम्मी ने, मैंने सुबह ये सारे कपड़े उसमें वॉशिंग पाउडर में भिगो के रख दिए थे, और उसके बाद फिर जब मैं स्कूल से वापस आया तो मम्मी उस टाइम पर कपड़े धुल रही थी। उसके बाद फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी, वैसे तो गर्मा गर्म है, एकदम गर्म है। और मम्मी ने पापा के भी कुछ कपड़े दे दिए हैं, वो तो वहां तक भंडार लगा हुआ है, और मेरे भी कुछ कपड़े हैं यहाँ पे वगैरह ये सब देखो। चलो भाई प्रेस करते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद, फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। भाई साहब पता नहीं कैमरे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे ब्लू वाली जीन्स का देखो कलर, इसमें ट्राउजर में लग गया छूट के, शिट। प्रेस भी अपना खुद ही करना पड़ रहा है।
प्रेस हो गया है और पता जो क्रीज वाली पैंट्स होते हैं ना, जैसे पापा टाइप लोग जैसे पहनते हैं, सामने क्रीज होती है उनमें, उनमें ना मेरा प्रेस नहीं होता क्योंकि वो लाइनिंग उससे नहीं बनती है। बाकी ट्राउजर जीन्स वगैरह में तो हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो बस ये आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9:15 पे। कल वाला वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल सुबह मेरे साथ में कुछ घटना हो गई थी ऐसी अप्रिय, तो मेरा पूरा मूड अपसेट था, माइंड एकदम अपसेट था, तो कल का ब्लॉग नहीं आ पाया। मिलते हैं कल सुबह 9:15 पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। ये आर्मी का है, ये एयरफोर्स का है 45 डिग्री का एंगल, और ये डाउन नेवी का है। कारण क्या है अगले ब्लॉग में बता दूंगा, सैल्यूट्स का। जय हिंद, वंदे मातरम।